दिग्गज पहलवानों का भारतीय रेसलिंग फेडरेशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इस प्रदर्शन में विनेश फोगाट और साक्षी मलिक समेत कई दिग्गज पहलवान शामिल हैं। विश्व चैंपियनशिप पदक विजेता विनेश फोगाट ने भारतीय रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। वही इस बीच केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों की उनके आवास पर बैठक भी हुई। बैठक के बाद खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने ब्रजभूषण सिंह को महासंघ अध्यक्ष पद से 24 घंटे में इस्तीफा देने को कहा है। साथ ही कहा गया है कि अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें हटाया जाएगा। खेल मंत्री के साथ बैठक में पहलवान बबीता फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट समेत कई अन्य पहलवान भी शामिल है। अनुराग ठाकुर आज ही चंडीगढ़ से दिल्ली पहुंचे। इसके बाद उन्होंने पहलवानों से अपने आवास पर बैठक की। वहीं इससे पहले खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। भारत सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए WFI को नोटिस भेजकर 72 घंटों में जवाब मांगा है। विनेश फोगाट ने ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ बड़ा और गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वह अपनी कुर्सी का नाजायज फायदा उठाते हैं। ये खिलाड़ियों को मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करती हैं। भारतीय रेसलिंग फेडरेशन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों की सरकार से आज बातचीत भी हुई। इसके बाद विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया ने कहा कि हमें संतोषजनक प्रतिक्रिया नहीं मिली, केवल आश्वासन मिला है। हम तब तक प्रदर्शन नहीं छोड़ेंगे जब तक कि महासंघ के प्रमुख को हटा नहीं दिया जाता, वह जेल नहीं चला जाता। हमारे पास सबूत के साथ 5-6 लड़कियां हैं। अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो हम पुलिस के पास जाएंगे। तो ऐसी चीज नहीं कि हम झूठ बोल रहे हैं या कोई ऐसा ही, अगर अगर सुनवाई नहीं होगी तो हम पुलिस का सहारा भी लेंगे, केस का सहारा भी लेंगे, केस करके हम आगे बढ़ेंगे। हमारा मकसद यही है, हमारी कुश्ती को दोबारा से जीवित करवाना है। अनफॉर्चुनेटली बोले या हमारा दुर्भाग्य मान लीजिए, हम खिलाड़ियों का दुर्भाग्य मान लीजिए कि अभी तक हमें एक संतुष्ट जवाब नहीं मिला है। तो हम उसका वेट कर रहे हैं और आप सब लोग भी यहाँ पे उसी का वेट कर रहे हैं कि फाइनल डिसीजन कब आएगा। क्योंकि जो हमने इल्ज़ाम लगाए हैं वो इल्ज़ाम हमने लगाए इसीलिए है क्योंकि वो सत्य थे। और आजकल हम जैसे बोल रहे थे कि हमारे पास एक दो लड़कियाँ हैं जिनके साथ उन्होंने किया है, क्योंकि आज और आज हमारे पास 5-6 लड़कियाँ आ गई हैं, विद प्रूफ है हमारे पास में उनके साथ में जो जो हुआ है। हम सब आत्म सम्मान को अपने बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लड़कियों का आत्म सम्मान सबसे ज्यादा जरूरी है। हिंदुस्तान की बेटियां हैं, हम जनता के सामने आ गए ये बताना नहीं।